तो ये जो खूबसूरत जगह आप देख रहे हो, दूर दूर तक जो नज़ारा आपको मिल रहा है देखने, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, और ये जो ऊंचाई है, यहाँ देखो बीच से पत्थर भी टूट टूट के गिरता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और ये जगह जो है, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम पहुँचा हूँ, और इससे पहले जब मैं आया था तब थोड़ा ही पहुँचा था। तो यहाँ से शिलोंग जा सकते हैं ना? हाँ, यहाँ से तो शिलोंग जाते हैं ना। हाँ तो ये वाला वो नया रास्ता है जो कि शिलोंग टच करता है, ये रास्ता। तो यहाँ में जब वो बॉम्ब फोड़ फोड़ के जब रास्ता बना रहा था ना, तब आके पहुँचा था वहाँ तक। तो ये जगह सच में बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ में इतना सारा पेड़ पौधा मौजूद है। आपको शायद साउंड मिल रहा होगा वाटर का, या नहीं मिल रहा होगा, आप सुन सकते हो, देखना। काफ़ी दूर है, शायद आपको ज़्यादा सुनने में नहीं मिलेगा, लेकिन जी जगह सच में जन्नत है, जन्नत जन्नत। इसीलिए कहते हैं हमारा प्रोडक्शन मन्नत प्रोडक्शन हाउस। ये जगह देखो, ये हवा कहती है क्या सुन लो, प्यार इतना जाने जाना। आहोया बुलाया, ये फिदा कहती है क्या सुन लो, प्यार इतना जाने जाना। ये हवा कहती है क्या सुन लो, प्यार इतना जाने जाना। काली काली पलकों पे नजरों में, कौन सा गाना था यार, भूल गया। बंदे न डालो हमें जिंदा रहना है, हुस्न वालों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए न छेड़ो हमें, हम सताए हुए बहुत आग सीने में दबाए हुए। सितमगढ़ हो या सितमगढ़ हो या दगाबाज हो तुम, ये करने वाले बना दे मोहम्मद, ये करने वाले। एक साइड से एक साइड नहीं दिखता। हुस्न वालों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए बहुत आग सीने दबाए हुए। ये जो व्यू है, ये देखो नीचे कितना घर है, वो ऊपर में देखना भी। वो देखो एक रास्ता मिला मुझे, वो जो है वहां में एक रास्ता है। यहाँ से निकलेंगे हम, पत्थर के सनम तुझे हमने। ये जो ऊपर से पत्थर गिरता है ना, इसका प्रभाव बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि बहुत रिस्की है।
ये तो चलो ठीक है, यहाँ से गिर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मजबूत हो चुका है ये सारा पानी का झरना, यहाँ से बह रहा है थोड़ा थोड़ा करके। सच में ये पहाड़ पत्थर का बहुत है, कभी वहाँ से गिरा तो यहाँ नीचे तो इसलिए सोच समझ के यहाँ चलना होगा। चले और ये नजारा एंजॉय करें। अब जो नजारा दिखाने जा रहा हूं, दिल थाम के देखिए ये नजारा। एक जो रास्ता है बहुत अच्छा रास्ता, लोकल एरिया के हिसाब से खुद लोगों ने बनाया है सरकार के द्वारा, मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा ये रास्ता बनाया हुआ है और लोकल लोगों ने वो सब जैसे छोटे छोटे रास्ते जैसे बनाया, मतलब चारों ओर खूबसूरती आपको ऐसे ही दिखने नहीं मिलेगा, बहुत कारण ही जो यहाँ खूबसूरती आज बरकरार है। तो ये जगह है आदुगिरी, आदुगिरी ये देखो, यहाँ के लोगों के पास बहुत सारा ट्री, पेड़, पौधा और फ्लावर का पौधा यहाँ होता है, जो कि आपको यहाँ थोड़ा दिखने से मालूम चलेगा। देखिए छोटा छोटा दुकान स्टोर यहाँ बैठता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ में चर्च में देखो आपको देखने, ये देखो छोटे से चर्च लेकिन बहुत खूबसूरत है। पहले हमने यहाँ विजिट किया और फिर बहुत टाइम यहाँ स्पेंड किया। यहाँ सीएम सर आए थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनराड संगमा सर, उनके साथ यहाँ में काफ़ी टाइम हमारा आर्टिंग हो रहा। यहाँ का जो है खरगोटा का MLA वो लोग रहा और यहाँ में हाँ MLA कप 2024 हो रहा है, जहाँ में 1 लाख का प्राइज मनी दिया गया है। ये है स्टेडियम जो कि नया है, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ लिया हुआ है चीनम ग्री स्टेडियम आदम ग्री जो